असलम सिक्स क्लास सिक्स क्लास कैसे हैं आप सब आई होप आप लोग अपने घरों में खैर खैरवाफियत से होंगे सिक्स क्लास चैप्टर फ़ोर इसका लॉन्ग क्वेश्चन देख लें थ्री क्लासीफाई रॉक्स एंड राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन मेटामॉर्फिक रॉक्स ठीक है ये हमने करना है पेज नंबर फिफ्टी थ्री ओपन कर लें मेटामॉर्फिक रॉक्स आपको मिलेगा यहाँ देखें टॉपिक स्टार्ट करते हैं द रॉक्स फॉर्मड ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ आर वेदर्ड एंड इराल वाइल द रॉक्स विच आर फॉर्म्ड और बर्ड अंडर द सर्फेस ऑफ द अर्थ आर चेंज ठीक है वो रॉक्स हैं जो जैर ज़मीन क्या हो जाती हैं दफन हो जाती हैं और फिर वो क्या एक चेंज शक्ल में फॉर्म्ड होती हैं या बनती हैं दीज चेंज रॉक are called metamorphic rocks. These are two main, uh, there are two main reasons of this change. अब इस change की दो वजह हैं एक क्या है temperature की वजह से ये change हो जाती हैं यह अपनी shakal change कर लेती हैं दूसरा pressure की वजह से अपनी shakal change कर लेती हैं ठीक hai इसके बाद देखें रॉक्स फॉर्म्ड बाय थर्मल metamorphism, रॉक्स फॉर्म्ड बाय रीजनल metamorphism। ये आपने यहाँ तक करना है ठीक है यहाँ से लेके कर यहाँ तक आपने कर लिया है बाकी ये कट करना है ये नहीं करना और ये भी नहीं करना इसके बाद आ जाएँ करेक्टरिस्टिक्स की तरफ पेज नंबर फिफ्टी फ़ोर दीज रॉक्स आर फॉर्म अल्ट्रे दल्ट्रेस ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स दीज आर मोर स्मूथ एंड शाइनी क्या है ये नरम और क्या चमकदार होती हैं हमवार होती हैं स्मूथ होती हैं इसके अंदर मतलब वो इस तरह से लेयर्ड नहीं बनी होती ठीक है दीज रॉक्स आर मोर हार्ड एंड कंपैक्ट ठीक है फॉसिल्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर नॉट फाउंड इन दीज रॉक्स क्या हैं इन रॉक्स में फॉसिल्स ऑफ फ्यूल्स फॉसिल्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स फाउंड नहीं करते इनमें नहीं पाए जाते इसी तरह से इग्नियस में भी नहीं पाए जाते और मेटामॉर्फिक मेटामॉर्फिक रॉक्स में भी नहीं पाए जाते ये सिर्फ सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं यहाँ तक आपका लॉन्ग क्वेश्चन थ्री बन गया है ठीक है इसको आपने यहाँ तक निशान लगा लेना है ये आपने करना है ठीक है आई होप आप लोगों को लेक्चर की समझ आ गई है ये हमारी रिविजन चल रही है ठीक है इसको अच्छे से लर्न करना है अब इसको राइड नहीं करना और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके एम कर लेंगे ओके okay बच्चों। अल्लाह हाफिज़